नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर चर्चा करेंगे। लॉ को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्सटेंसिव लॉ अर्थात मौलिक विधि या अधिष्ठाई विधि और प्रोसीजरल लॉ अर्थात प्रक्रिया विधि। सब्सटेंसिव लॉ या मौलिक विधि वह विधि है जो कि अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करती है। सब्सटेंसिव लॉ इज दैट बॉडी ऑफ लॉ विच डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज। परंतु केवल अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित कर देने मात्र से वे नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो जाते हैं, उन अधिकारों एवं कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया की भी जरूरत होती है। और लॉ का वह पार्ट, विधि का वह भाग जो मौलिक विधि को लागू करने की प्रक्रिया बताता है, उसको प्रक्रिया विधि कहते हैं अर्थात प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ इज दैट बॉडी ऑफ लॉ विच प्रिस्क्राइब्स ए प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब्सटेंसिव लॉ। अब प्रक्रिया विधि या प्रोसीजरल लॉ को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लॉ रिलेटिंग टू प्लीडिंग्स एंड लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस अर्थात अभिवचन से संबंधित विधि और साक्ष्य संबंधित विधि। तो हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में प्लीडिंग से संबंधित विधि सीपीसी और सीआरपीसी हैं। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रक्रिया संहिता है जो सिविल मामलों में प्लीडिंग से संबंधित रूल्स को बताती है, और सीआरपीसी अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो क्रिमिनल मैटर्स में प्लीडिंग से रिलेटेड रूल्स को ले डाउन करती है। और दूसरा पार्ट है प्रक्रिया विधि या एविडेंस लॉ, जिसके बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होता है। तो द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, लॉ ऑफ प्लीडिंग्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ प्लीडिंग्स इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सीआरपीसी एंड सीआरपीसी इन इंडियन लीगल सिस्टम, एंड लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इन आवर टूडेज लेक्चर आई शैल ट्राई टू बी डायग्लॉट, मैं द्विभाषी होने का प्रयास करूंगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये समान रूप से समझने योग्य हो पाए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीपेन। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप तैयार किया गया था सर जेम्स स्टीपेन द्वारा। द एक्ट नंबर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज 1 ऑफ 1872। इट वाज फर्स्ट एक्ट ऑफ द ईयर 1872। ये अधिनियम संख्या 1 है 1872 की। द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज 1 सितंबर 1872। इट मींस इट वाज इन्फोर्स ऑन 1871st डे ऑफ सितंबर ऑफ 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बोथ वेयर इन्फोर्स्ड ऑन 1 सितंबर 1872। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 दोनों ही 1 सितंबर 1872 को लागू हुए थे। तो इस प्रकार अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इन्फोर्समेंट की डेट याद है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेम डे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी अप्लाई हुआ था। इंडियन लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस इज कॉल्ड एज लेक्स फोरी, विच मीन्स लॉ ऑफ द कंट्री इन विच एन एक्शन इज ब्रॉट। इट मीन्स व्हेन वी हैव टू डिसाइड व्हाट लॉ ऑफ एविडेंस विल अप्लाई इन ए पर्टिकुलर प्लेस, वी शैल हैव टू कंसिडर द प्लेस वेयर द प्रोसीडिंग इज ब्रॉट, वेयर द फोरम इज सिचुएटेड। अगर हिंदी में कहें तो लॉ ऑफ एविडेंस को लेक्स फोरी कहते हैं। लेक्स फोरी कहने का मतलब कि वह विधि जो कि उस स्थान के या उस देश के हिसाब से निर्धारित होती है जिसमें की प्रक्रिया, जिसमें की कोई कार्यवाही शुरू की जाती है। अर्थात लॉ इज सेट टू बी लेक्स फोरी
और लेक्स लोकाई, लेक्स लोसाई और लेक्स लोकाई। लेक्स लोसाई ला मीन्स ला ऑफ द प्लेस वेयर ए फैक्ट हैज आर एन इवेंट हैज हैपेंड और ए फैक्ट हैज हैपेंड, मतलब उस स्थान की विधि जहां पर कोई घटना घटित हुई। जैसे हमारा इंडियन पेनल कोड है वो एक लेक्स लोसाई ला है, मतलब अगर भारत में कोई अपराध कमिट होता है तो उसकी लाइबिलिटी डिसाइड होगी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से। एंड व्हेन वी से इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फोरी, इट मींस व्हेन ए मैटर इज ट्राइड इन इंडियन कोर्ट्स इट द लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस शैल अप्लाई इन दैट मैटर विच इज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अर्थात भारत में अगर किसी न्यायालय में किसी भी मामले का ट्रायल होगा, कोई भी प्रक्रिया शुरू होगी, तो वह घटना या जिस मामले का विचारण हो रहा है वो चाहे जहां घटित हुई हो लेकिन उस पर्टिकुलर मामले में एविडेंस से रिलेटेड रूल्स वही अप्लाई होंगे जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत बताए गए। यहाँ पे वह स्थान मटेरियल है जहां पर कि कोर्ट सिचुएटेड है, ना कि वह स्थान मटेरियल है जहां पर कि घटना घटित हुई। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 इज टू कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। व्हेन वी से दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्ट इज टू कंसोलिडेट लॉ, इट मींस द लॉ इज अवेलेबल ऑन दैट पॉइंट फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। वी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट मींस वी आर ट्राइंग टू पुट ऑल द रिलेवेंट लॉज एट वन प्लेस। जब हम कहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी विधि का समेकन करने का है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस विषय पर पहले से ही विधि विद्यमान है और जिस जो भी एक्ट लॉ को कंसोलिडेट करने की बात कर रहा है, समेकित करने की बात कर रहा है, वह उस विषय पर पहले से ही चली आ रही विधि को जो यत्र तत्र बिखरी हुई है उसको एक जगह पर इकट्ठा करना चाहता है। एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट इज टू डिफाइन द लॉ ऑफ एविडेंस, इट मींस टू से समथिंग इन प्रिसाइज वर्ड्स, इट मींस किसी शब्द को परिभाषित करने का अर्थ है कि हम उससे संबंधित विषय को कुछ निश्चित शब्दों में कह देना चाहते हैं जिससे उस पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एंड थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टू इज टू अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट मींस द लॉ विच इज प्रिवेलेंट फ्रॉम अर्लियर टाइम्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ प्रेजेंट टाइम एंड वी वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस इन द प्रिवेलेंट लॉ। अर्थात हम किसी विधि को अगर संशोधित करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उस संबंधित विषय पर जो विधि पहले से चली आ रही है वह तत्युगीन उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रह गई है, तो उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार हम उसमें कुछ परिवर्धन करना चाहते हैं। तो इन वन लाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 इज टू कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। हिंदी में कहें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य साक्ष्य संबंधित विधि का समेकन, परिभाषा एवं संशोधन करना है। द होल इंडियन एविडेंस एक्ट इज डिवाइडेड इंटू 3 parts, 11 chapters and 167 sections. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 parts में, 11 chapters में और 167 sections में divided है, विभाजित है। Part 1 consists of chapter 1 and 2. It includes section 1-55 which deals with relevancy of facts. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भाग एक अध्याय 1 और 2 में विभाजित है। इसमें धाराएं 1 से लेकर 55 तक आती हैं और ये तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है। पार्ट 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 3-6 एंड इट इंक्लूड्स सेक्शन 56-100 एंड इट डील्स विद ऑन प्रूफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भाग 2
के अंतर्गत अध्याय 3 से अध्याय 6 तक आते हैं। इसमें धाराएं 56 से लेकर के धाराएं 100 तक आती हैं और ये सबूत के विषय में बात करता है। एंड पार्ट 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 7 टू चैप्टर 11 एंड इट इंक्लूड्स सेक्शन 101 टू सेक्शन 167 एंड इट डील्स विद प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का भाग 3 अध्याय 7 से अध्याय 11 तक को समाहित करता है। इसमें धाराएं 101 से लेकर धारा 167 तक आती है और ये साक्ष्य के पेश किए जाने और उसके प्रभाव के संबंध में है। अपने अगले वीडियोस में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स पर 1x1 चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको और लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हम अपने आगामी लेक्चर्स में संशोधन करके उसको आपके लिए और भी अधिक उपयोगी बना सकें। धन्यवाद।